जय श्री कृष्ण, राधे राधे, श्री हरिदास। और ये जो लीला मैं आपको बता रही हूँ, ये आज की लीला है दोपहर की। आज होता क्या है कि सेविका देखती है कि वो अंदर से एक आवाज़ आ रही है, तो वो जल्दी से मंदिर में प्रवेश करती है, यानी यहाँ पे। वो जैसे ही यहाँ आती है तो वो देखती है कि प्रियाजू कुछ अजीब तरीके से हंस रही है, मतलब कुछ अलग लग रही है, लेकिन वो कुछ समझ नहीं पा रही है। सेविका अपनी धुन में है और वो देख रही है, वो देखती है कि प्रियाजू ने अपनी आँखों को एक तरफ किया है। सेविका कह रही, प्रियाजू तो ऐसे नहीं करती है, लेकिन ये क्या किया। वो फिर भी ध्यान से दोबारा देखती है, उसका इशारा कुछ बिहारी जी की तरफ है। सेविका उधर देखती है कि वो क्या देखती है कि लाला जो है नीचे, यानी अपने सिंहासन पे ही नीचे, एक तरफ पैर फैला के, एक घुटना मोड़ के, एक अपने सर पे, मतलब सर पे आपने देखा होगा ना, ऐसे करके माथे पे हम एक हाथ लगा लेते हैं इस तरीके से, जैसे सोच विचार में बैठते, ऐसे एक हाथ लगा के कुछ कुछ विष्णु भगवान की तरह इस अवस्था में बैठा हुआ है। वो कहती, क्या हुआ लाला, बता कैसे बैठ गया तू, लेकिन खाली लंगोट पहनी है लाला ने। तो सेविका कहती, क्या हुआ, तू ऐसे कैसे बैठा है। फिर मुझे गर्मी लग रही बहुत जोर से, गर्मी लग गई मुझे, मेरे तो गर्मी लग रही। लाला रुक जा, हवा ले, मैं बदलूँगी, रुक जा, तेरी ना ये चीज़ मैं बदल देती हूँ। अभी भी सेविका समझ नहीं पा रही है, बिल्कुल उसको समझ नहीं आ रहा है कि ये हो क्या रहा है। वो अपनी धुन में लगी है, उसे लग रहा है लाला को गर्मी लग रही है, तो वो जल्दी से देखती है, इसी तो चल रहा है, सारी चीज़ें हो रही हैं। अचानक से वो फिर प्रियाजू की तरफ देखती है, प्रियाजू जोर जोर से हंस रही है। सेविका अब भी कुछ समझी नहीं है, उसने अचानक से कहा, तूने बेसर भी गिरा दी, ले बेसर लगा ले। अब अचानक से सेविका की नज़र लाला पे गई, देखा लाला, लाला श्री विग्रह रूप में नहीं था, लाला श्री विग्रह से बाहर आगे सिंहासन की तरफ बैठा है। सेविका के अश्रु नहीं रुक रहे, वो घबरा गई है, उसे लग रहा है जैसे उसके प्राण निकल जाएंगे। उसका हृदय, उसका धड़कने इतनी बढ़ गई है कि वो वहीं पे छुट, लाला तू सामने है, लाला तू सामने है, वो ऐसे ही चिल्ला रही है। वो चिल्लाई, दिव्या देख, दिव्या मैं अंदर से आई, मैंने आके देखा, मैंने कहा लाला देख तेरा बेटा सामने बैठा है, तेरा बेटा। मैं देखती हूँ, मैं कहती हूँ हाँ लाला आया, और मैं ऐसे देख के उसकी बात सुनती हूँ, लेकिन बाहर से कुछ आवाज़ आ रही है, उस आवाज़ को सुनकर मैं कहती हूँ मैं अभी आती हूँ, और मैं ये बोलकर तुरंत बाहर चली जाती हूँ। तभी लाला से सेविका कहती, लाला तू सामने है। अब लाला कभी अपना पैर आगे की तरफ कर रहा है, एक आँख पीछे की तरफ कर रहा है, अब वो धीरे से सामने सीधा बैठ गया है। सेविका देखती है कि उसके पैर में कुछ लगा है, वो जल्दी से उसके पैर पकड़ती है, उसके पैर पर रज लगी है, कुछ कपड़ा सा भी लगा है। तो वो कहती, क्या हुआ लाला, ये तेरे पैर कहाँ से आया तू, और अश्रु उसके बहते जा रहे हैं, उसके इतने कोमल पैरों को देखकर सेविका की अंदर से एक आत्मा बोल रही है, बाहर से वो कुछ देख रही है, अंदर से आत्मा बोल रही है, आज के बाद मैं अपने लाला को ऐसा वैसा कोई चंदन नहीं लगाऊंगी, हे भगवान मैं इत्र भी जहाँ से भी सबसे बेस्ट इत्र आता है मैं इत्र लगाऊंगी, मैं ऐसा वैसा इत्र नहीं लगाऊंगी, कितने कोमल तेरे चरण हैं लाला। अंदर उसकी आत्मा ये बात बोल रही है, ऊपर से वो देख रही है, ऊपर से वो रो रही है, उसको कुछ समझ नहीं आ रहा, वो बोल रही है, उसके मन में ये भाव है कि दिव्या नहीं है, मैं लाला से प्यार करती हूँ, वो प्यार करती है। तभी वो रोए जा रही है और कह रही, लाला तू बता ना ये कहाँ गया था। तो लाला कहते, तटीय स्थान गया था, जाना था ना, कुछ नीचे गिरा हुआ था तो मेरे पैर में लग गया। बोला अच्छा, मैया कब आ गई। तो बोला, मैया आ जाएगी लाला, रुक जा। लाला तभी उठता है फिर से और अपने सर पे कुछ लगाता है, और लगा के फिर से वो मेरे पीछे ऊपर चला जाता है, मैं छत पे गई होती हूँ काफ़ी देर में। सेविका कहती है, लाला अब तक नहीं आया। सेविका फटाफट ऊपर जाती है, फिर से लाला को लेके आती है, कहती है धूप है तू इधर ही आ जा, गर्मी लगेगी तुझे। लाला बैठ जाता है, सेविका उसके पास जाके बैठती है, वो देखती है, उसको प्यार कर रही है, उसकी गालों को छू रही है, इतने कोमल, इतना सुंदर लाला। वो समझ नहीं पा रही कि आज साक्षात लाला सामने कैसे आ गया। बाहर कुछ लोग, कुछ बच्चियाँ नाच रही हैं, कुछ लोग आए हुए हैं,
वो समझ नहीं पा रही कि मैं अब क्या करूं, मैं पर्दा करूं, आरती करूं, इन लोगों को भगाऊं, सब लोग देख लेंगे कि लाला आया है, मैं करूं तो करूं क्या, परेशान हो गई है वो। वो कह रही है दिव्या दिव्या मैं भी नहीं आ पाई हूँ, सेविका ये चीज़ कर रही है। तभी वो कहती है लाला बता ना लाला। कभी लाला उस अवस्था में देखकर सेविका के भाव कंट्रोल में नहीं है, वो कह रही लाला सबको दर्शन मत देना, कहीं तो चला गया तो नहीं, लाला मुझे डर लगता है, और वो इस तरह से घबरा रही है। लाला उसकी तरफ हाथ करता है, सेविका उसके चरण पकड़ के दबाने की कोशिश करती है, लाला कहते नहीं नहीं तू मेरे चरण मत दबा, वैसे ही सेवा हो जाती है, मत दबा, तू बता ना लाला मुझे प्यार करता है बता ना। तो लाला इधर उधर देखता है और कहता है हाँ मैं तुझे सबसे ज़्यादा प्यार करता हूँ सोना, ऐसे बोलते हैं। सेविका के अश्रु नहीं रुकते, वो रियल में रोती है, उसकी धड़कन जो है उसकी कंट्रोल में नहीं है, वो बहुत भावुक हो गई है, बहुत अधिक, वो कुछ समझ नहीं पा रही है। तभी वो आरती के लिए आवाज़ देती है, आरती करनी है, लाला आया है। बाहर जो है बच्चियाँ शोर कर रही हैं, कुछ नाच रही हैं, कुछ बच्चियाँ छोटी छोटी बच्चियाँ हैं। सेविका इसी धुन में लाला के पास बैठ जाती है, कहती है लाला मुझे कुछ नहीं पता लाला। और ये चीज़ करते हुए अचानक से उसकी नींद खुल जाती, क्योंकि वो रो रही थी। जब सेविका ये उठी तो तब ये लीला जब मैंने सुनी तो उस समय पर भी बहुत अधिक व्याकुल था सेविका, मतलब सोना बहुत अधिक व्याकुल, बहुत ज़्यादा घबराई हुई और बहुत ज़्यादा भावुक थी। उधर दूसरी तरफ एक लीला का पार्ट, जो यहाँ लाल लीला में जो पार्ट दिया वही पार्ट मेरे स्वप्न में था, क्योंकि मैं भी दोपहर में आज लेटी थी। दो हिस्से थे, तो पहला हिस्सा वो था कि जब मैं मिलने गई तो वहाँ पर कोई और नहीं, बिहारी जी मंदिर से कोई आया है, मैं उनको लाला की लीलाएं सुना रही हूँ कि लाला ऐसा है, लाला मेरा वैसा है, लाला के गोस्वामी को मैं ये बातें जब बता रही हूँ तो लाला बहुत ज़्यादा खुश हो रहा है। ये चीज़ मतलब अलग चल रही, लीला बहुत बड़ी हो जाएगी। तो ये इस तरह के दो पार्ट थे। जब सेविका ने ये बात बताई तो बताया सोना ने कि ये जो लीला है, सच कहूँ ये साक्षात लीला है, ये कोई स्वप्न नहीं है भक्तों। जब हम प्रभु से अनंत अतः प्रेम करते हैं तब प्रभु इस अवस्था में मनुष्य के पास आते हैं और उनके हृदय में इस भाव को भी वो मिटा देते हैं कि वो किसी स्वप्न के द्वारा नहीं आते हैं, साक्षात ईश्वर होते हैं। वो हमको जताते हैं कि वो हमसे प्रेम करते हैं, हमारी आत्मा में जो चाह होती है वो मिलती है, लेकिन प्रत्येक को कैसे मिलेगी। देखिए चमत्कार और प्रभु के दर्शन, प्रभु की आत्मा से मिलन, ये सारी चीज़ें तभी संभव है जब हमारा प्रेम, हमारी आस्था और हमारा विश्वास प्रभु पर इतना अटूट हो जाए। यहाँ पर एक और चीज़ होती है, तभी लाला जब पैर में लगती है तो सेविका कहती है ठीक है मैं ध्यान रखूँगी लाला कि तुझे कुछ हो न जाए, तेरे को ऐसी चीज़ नहीं लगाऊंगी, वैसी चीज़ नहीं लगाऊंगी, तुझे मैं ऐसे कपड़े नहीं पहनाऊंगी, तेरे लिए तो कपड़े भी बहुत आलीशान पहनाऊंगी, आज के कपड़े हमको पसंद नहीं आए। ये सब लीला का पार्ट था। तभी लाला कहता है कि घर में कुछ गिराना मत। तो वो बोलती क्या हुआ, बोला कि देखा ना मैया को कल चोट लग गई है ना, तो ऐसी चीज़ मत गिराना, मैया को चोट लग जाती है। तो ये सब इस बात का ध्यान रख रहे थे। तो ये जो बताया तो यकीन मानिए कल रात को मेरी चोट लग गई थी और मतलब मेरे पैर में थोड़ा लग गया। तो लाला ये सब स्वप्न में आना, मैया कह के संबोधन करना, सोना को ये बताना कि अत्यधिक प्रेम करना, छोटी छोटी बच्चियों का नृत्य, कुछ भक्तों को भी दिखाना, उन भक्तों में भी दिखते हैं, ये सारी चीज़ें बहुत गहरी होती हैं। इनको समझा पाना थोड़ा टफ है, प्रत्येक लीला में नहीं बता पाती हूँ और जो लीला मैं बताती हूँ ये इनके इतने गहरा इसका महत्व है। बहुत सारा संसार इन बातों पे लगा हुआ है कि राधा क्या है। अरे राधा तत्व को नहीं जान पाओगे, राधा जी के तत्व को जानने के लिए तुम्हें उस मार्ग में आना पड़ेगा।
उस रस में, उस करुणा में आना पड़ेगा, तब तुम राधा तत्व को जान पाओगे। आज देखो, कभी किसी ने राधा जी के लिए ये बोल दिया, कभी कोई महंत बोल रहे हैं, कोई संत बोल रहा है, कोई भागवत कर्ता बोल रहा है, मैं सब सुन रही हूँ। एक तरफ मुझे हंसी भी आ रही है, हंसी इस बात पर आ रही है कि तुम कैसे जान पाओगे। अरे, राधा जी तक पहुँचने के लिए तो अनंत जन्म कोटि आपको लेने पड़ेंगे, तब जाके आप अपने मुख से राधा का नाम लेते। तो उस तत्व को जानने, तो जानने की तो बहुत बड़ी बात है, ये इतना आसान नहीं। अरे, राधा तो एक ऐसी धारा है जो प्रत्येक में उस शक्ति को प्रदान करती है जिससे तुम इस भक्ति को प्राप्त करते हो। तुम तो कुछ जान ही ना पाओ, इसलिए इस पर जो भी तुम विलक्षणा कर रहे हो, तुम जो भी इतनी बातें बना रहे हैं, लोग तत्व जानना चाहते हैं, कौन क्या, नहीं जान पाओगे, कदापि नहीं जान पाओगे। इसको जानना है तो सिर्फ प्रेम चाहिए, इसको जानना है तो उसके रस में डूबना होगा, इसके अलावा मैं कुछ नहीं कहूँगी। बाकी तो ये कृष्ण की ही लीला है कि उसने ऐसा स्वांग रचा है कि तुम सबके हृदय को वो टटोल सके कि तुम राधा जी के तत्व को कितना जान पाए। अरे, स्वयं कृष्ण ही राधा है, लेकिन कृष्ण का वो जो तत्व है, उस तत्व को जानने के लिए तो न जाने अनंत जन्म जन्म तुमको लेने पड़ेंगे, तब जाके तुम राधा के स्वर को या राधा के नाम को बोल पाओगे। तो कैसी टिप्पणियां करते हो, मूर्ख हैं वो लोग जो प्रभु के इन तत्वों को जानने की कोशिश कर रहे हैं, उनका मानवीकरण मनुष्य रूप देखना चाहते हो। अरे, तुम स्वयं को ही रूप को जान लो भाई, पहले मनुष्य रूप को ही जान लो, तब तुम राधा तत्व को जानने की चेष्टा करना। कैसी कैसी मूर्खता भरी बातें करते हैं, लेकिन ये भी लाला की ही एक लीला है, वो बड़े से बड़े लोगों के दिमाग को फेरने में तनिक भी देर नहीं करता, भ्रष्ट नहीं करता, जहाँ अहम आता है उसको तोड़ने में उसको कंचित समय नहीं लगता, वो 2 मिनट में उस चीज़ को तोड़ सकता है, वो उसके अहम को ऐसा तोड़कर हाथ में दे देता है कि मैं क्या बताऊँ। यही तो मेरे लाल की कृपा है कि उसकी कृपा को जानना है ना, तो प्रेम में आओ, जब प्रेम में आओगे तो कृष्ण जान पाओगे, और जब कृष्ण को जान जाओगे ना, तब जानने की कोशिश करना, राधा तो बहुत ऊंचाई पर है, क्या जानोगे तुम। हाँ, कृष्ण तो ऐसे घुमाते हैं ना कि मैं क्या बताऊँ। खैर, छोड़िए ये बात, और ये टॉपिक बहुत बड़ा हो जाएगा, तो ये छोटी छोटी लीला तक देखने की हिम्मत नहीं किसी में। अरे, जो स्वप्न में इतना सा राधा तत्व नहीं जान पाते, हाँ, देख नहीं पाते, एक नाखून तक नहीं देख पाते, अनंत शक्तियों में ही रह जाते हैं, कहाँ से जान पाएंगे। तो बोलो श्री राधा रानी की जय हो, हमारी प्यारी किशोरी जी की जय हो, हमारी लड़ेती जी की जय हो। राधे राधे, श्री हरिदास।